Assalamu alaikum and good evening. दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आज मैं सारा दिन बहुत मसरूफ रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में केसेस के हवाले से भी मसरूफ था और इस तरह की सरगर्मियाँ थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपके साथ कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका। माजरात खा हूँ। कई लोगों के जब वीडियो देर होती है ना तो फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि वकील साहब कितने हो कितने वासी वीडियो देख के जरा हंस हंस खुश लेने आ। कभी तू कभी कभी तुसी परेशान भी करते हो लेकिन ज्यादातर हंसी खुशी होती है। अच्छा जी, बात यह है कि एक वीडियो मैंने बनाई थी कि डार ने डॉलर को काबू कर लिया और ये बता रहे हैं तकरीबन 7 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट में मैंने खुद घूमे हूँ आज मैं डॉलर के लिए, तो क्योंकि मैंने अमेरिका जाना है तो मुझे भी डॉलर चाहिए ना डॉलर कोई है जो डॉलर दे सकते हैं सस्ते? अच्छा, वो मैं गया तो उन्होंने कहा जी कि असी जनाब डॉलर ले नहीं रहे, दे रहे हैं 232 रुपए का, 242 वाला 232 रुपए का दे रहे थे, और लेने वाले बाहर फिर रहे थे कि जी ले लो ले लो, कहते नहीं जी नहीं, डार आ रहे हैं जी, डार आ रहे हैं, असी डॉलर ले नहीं सकते। जो पड़े हैं ना वो बेच रहे हैं 232 का, लेकिन अब अभी हम ले नहीं रखते, कल क्या पता 10 रुपए और काम हो जाए। डॉलर को आज कोई ले भी नहीं था रहा, ये बड़ी कमाल है। चलो ये तो बात हो गई है। मेरा सर इस वक्त मकसद ये तो मैंने वीडियो पहले बनाई है आपके लिए, मैं ये कह रहा हूं मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है कि इमरान खान ने हमारा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जीसी लाहौर जिसे कह रहे हैं, उसको भी अपनी गंदी जबान से पलीत कर दिया है। इतनी गंदी लैंग्वेज वहां पे उन्होंने वहां पे इस्तेमाल की है, चोर डाकू और डार के बारे में, और ये सारे फ्रॉडी हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में आज फिर उन्होंने तौहीन की है कि इसको शर्म नहीं आती। पहली बात तो ये है कि इसका नोटिस लेना चाहिए कि जनाब गवर्नमेंट कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको सियासी अखाड़ा किसने बनाया है? जो वहां का वीसी है, वाइस चांसलर है कॉलेज का, उसको तलब किया जाए, उसको बुलाया जाए कि कॉलेज में इमरान खान को किसने बुलाया? इमरान खान को हमने लाहौर हाई कोर्ट में नहीं बुलाया कि वो उसकी जबान गंदी हो चुकी है और वो कोई लहजा उसका जो है वो दुरुस्त नहीं रहा, इसलिए आज उसने गवर्नमेंट कॉलेज जैसे पाक साफ इदारे को, यकीन करो, अपनी गंदी जबान से गंदा कर पलीत कर दिया है। मैंने ये लफ्ज आज सख्त इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन उसने किया है। उसने वहां पे ही कहा है कि इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आती। अदालत है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, ऐसे दुबकी बाढ़ के गली में ना फेंक जाओ, बैठ जाओ कोने में, नोटिस लो नोटिस। इसका तरीका वारदात यही है कि ये जनाब बिल्कुल आ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है और वो धौंस धांधली के जरिए अगले को दबा के रखता है। आप नोटिस लें। और उसने वहां पे भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और गंद, बजाय ये कि तालिब इल्मों को कोई अच्छी तालीम की बात करता, वो ही जो सड़क के ऊपर तकरीर करता है ना, वो ही उसने आज गवर्नमेंट कॉलेज में तकरीर की है। मुझे भी अफसोस हुआ, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ आज जनाब इमरान खान ने जो कॉलेज में, मैं बल्कि हैरान हो रहा था जब मैंने ये 4-5 बजे खबर सुनी ना टीवी पे आई कि इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज में खिताब किया और उनको पूछा कि बताओ तुम्हें पता है कि चोर कौन होता है, डाकू कौन होता है, और इसहाक डार कैसे भागा था, और इलेक्शन कमीशन क्या है, और मरियम नवाज क्या है। ये बातें उसने की हैं। ये तो सर जी सीधी सीधी लड़ाई पे आ गया है। ये तो शुक्र करे वहां नून लीग वाले डिसेंट लोग वहां पे वो खड़े नहीं हो गए वहां पे, उनका वो खड़े हो जाते ना तो वहां कॉलेज में तो आपको पता है कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती है। ये लेकिन शर्म होनी चाहिए। और इसका मरियम नवाज ने भी अभी अभी मैं देख रहा था नोटिस लिया है कि इमरान खान जो कॉलेज में गया है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्यों उसको इजाजत दी गई है तालीमी इदारे में, मादर इल्मी में गंदी जबान इस्तेमाल की गई है, चरस और कुकैन वाली जबान इस्तेमाल की गई है और शराबियों वाली जबान इस्तेमाल की, ये इसका इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और किसने उसको इजाजत दी है? मरियम नवाज साहबा का बयान आया है कि इसकी तहकीकात, हम इसकी बिल्कुल हम भी मुतालबा करते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर
अभी अभी मैं ये 9 बजे वाली खबरों में सुन रहा था कि जो गवर्नर है हमारा बलीगुर जमान के बलीगुर रहमान, वो उसने भी नोटिस भेजा है गवर्नमेंट कॉलेज को कि जनाब तुमने किस हैसियत में मॉन्यूमेंटल को बुलाया है यहाँ पे, किस हैसियत में, गवर्नर मैं हूँ, मुझसे किसी ने इजाजत नहीं ली। तो दोस्तों ये इनको पहले पता था कि इमरान खान कॉलेज आ रहा है, अगर ये गवर्नर चाहता ना तो पहले रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका उसने, क्योंकि उसने वहां बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की है जो मीडिया पे चल रही है। अब जो है वो गवर्नर ने जुर्म होने के बाद, वो कहते हैं ना जी के बाद अज मर्ग वावेला, बाद अज मर्ग, मरने के बाद शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, वो कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। कत्ल के बाद अगर कोई तौबा करता है ना तो वो कोई तौबा नहीं होती, तो लिहाजा इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और आइंदा के लिए इमरान खान के ऊपर तमाम तालीमी इदारों, तमाम बार एसोसिएशनों, तमाम ये जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के इदारे हैं, जो कॉमर्स वगैरह के हैं, उनमें सब गवर्नमेंट के इदारों पे इसके ऊपर पाबंदी हो जानी चाहिए। ये गंदी जबान का एक बहुत बड़ा फितना बन गया है जिसको कंट्रोल करना जरूरी है। ये एक जनरल नोटिस जारी किया जाए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कॉलेज में बुलाएगा फिर उसका वही जिम्मेदार होगा, उस कॉलेज का इदारे का सरबराह जिम्मेदार होगा। इसलिए इसको वीसी को भी मुअत्तल करो, डिसमिस करो, गवर्नर इसका नोटिस ले, उसने बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की है। और उधर ताजरों की तो किए, चले वो तो प्राइवेट अदारा है, ताजरों में भी उसने गंदी जबान इस्तेमाल की है, अलहमरा में वहाँ भी गया है, वहाँ भी इसने गंदी जबान इस्तेमाल की है, लेकिन उधर हम वो तो करता है, जबान तो उसकी गंदी है, फितना है, वही मरियम औरंगजेब का भी वीडियो बार बार लीक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे लंदन जैसे महजब इलाके में भी उन्होंने इसको नहीं छोड़ा और उस बेचारी को वहाँ पे बदनाम करते रहे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा यह है कि डार साहब जनाब अभी अभी जनाब ये इस्लामाबाद पहुंच गए हैं शहबाज शरीफ के साथ, वो खैर खरीत से पहुंचे हैं, अल्लाह ताला उनको खैर खरीत से रखे, और वो वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना जी। तो इसके अलावा जो है गवर्नमेंट कॉलेज के मैंने दे दिए नोटिस वगैरह का, इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इमरान खान जो है वो कॉलेज में ही उसने तकरीर करते हुए कहा है कि इनको जी दर्द हो रही है कि मैंने कहा है कि मेरिट पे आर्मी चीफ लगाना चाहिए। आर्मी चीफ तेरा मसला नहीं है यार, इसको बावर करवाओ राणा सनाउल्ला कि तू ना 3 में है ना 13 में है, ना तू गवर्नमेंट में है ना अपोजिशन लीडर है, तुम्हारा ये मुतालबा करने का क्या तुक बनता है। हमने पूछना होगा तो राजा रियाज से पूछ लेंगे, तू तेरी हैसियत तो राजा रियाज से भी पीछे चली गई है, तू तो खुद जनाब वो असेंबली से इस्तीफा दे के गया है। ये इसके जारहाना बयानात का क्यों नहीं जवाब ये दे रहा है भाई, ये क्यों नहीं जवाब दे रहा है, वो 4-4 जलसे कर रहे हैं उसका जवाब नहीं बनता, इसका उसी जबान में जवाब दिया जाए। मरियम नवाज साहबा मैं आपसे डायरेक्ट अपील कर रहा हूं कि इमरान खान को जैसा मुंह वैसी चपेड़, ये मुहावरा सुना है ना, उसी जबान में उसका जवाब दिया जाए जो वो जबान इस्तेमाल कर रहा है। मैं नहीं कहता उसकी जबान को लगाम दो, अब ये मैं नहीं कहता, क्योंकि उसकी जबान को लगाम देना ही सबसे बड़ा मसला है, लेकिन उसको वैसे ही जवाब दो। आप क्यों नहीं वैसा जवाब देती, मुझे बगैर पैसों के मुशीर तर्जमान रख दो, इंशाल्लाह ताला मीडिया पे मैं आपकी सही कवरेज जो है ना इमरान खान की जवाब देने की पोजीशन में हूँ, मुझे रखो अपना तर्जमान रखो मरियम नवाज साहबा, मैं इमरान खान को उसी की जबान में, मियाँ वाली की जबान में, मैंने आपको कई दफ़ा पहले मजाक में भी कहा है कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला मरदा नहीं, ये जो मौला जट बना हुआ है ना इसके सामने मौला चट बन के आना पड़ेगा और फिर ही ये काबू में आएगा, इसकी जबान काबू में आएगी। इसको मैं बताता हूँ कि जनाब सीता वाइट से लेके कैलिफोर्निया से लेके पाकिस्तान के और लंदन के और हर जगह तुम्हारी जो दास्तानें हैं, जो तुम्हारी दास्तानें पता है ना, वो उसकी सारी इसकी कली खोल दूंगा,
इसको कोई दो चार बंदे और तर्जमान रखो तकड़े किस्म के। अपना तर्जमान जो है मरियम नवाज साहब आप तलाल चौधरी को बनाएं, बनाएं तलाल चौधरी को, ठीक है। मैं तो वैसे भी मुफ्त काम करना चाहता हूँ मुझे भी इसका वो करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल यही है, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज को, जो पाकिस्तान का एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसकी मादर इल्मी को, पाक धरती को इमरान खान ने अपनी गंदी जबान से उसको पलीत कर दिया।